दोस्तों ओप्पो लॉन्च कर दिया है इंडिया में ओप्पो रेनो 10 सीरीज फोन को। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ओप्पो रेनो 10 प्रो और वन प्लस 11 आर फोन का बारे में। ये दोनों फोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है, दोनों फोन सेम प्राइस पर आता है, इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेस करना चाहिए, अगर आप जानना चाहते तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन और आपका स्वागत है टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या अंतर है दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। वन प्लस 11 आर फोन में डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.74 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ फ्लोइड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। ये फोन में नॉच देखने को नहीं मिलता है, छोटा सा पांचोल दिया गया है। सेंटर में एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें आपको डिस्प्ले में प्रोडक्शन भी मिल जाता है और ये 3D कोव डिस्प्ले दिया गया, तो काफी अच्छा बढ़िया नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले मिल जाता है। इसमें 1450 ब्राइटनेस भी दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो रेनो 10 प्रो फोन, ये फोन में जो डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। ये फोन में भी नॉच नहीं दिया, छोटा सा 5 दिया गया। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। इसमें भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया और इसमें भी 3D कोव डिस्प्ले दिया गया है। ये फोन में आपको हाईर रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिलता है, वन प्लस का फोन में 1.5K रेजोल्यूशन दिया गया है। दोनों फोन में प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में यहाँ पे थोड़ा सा लाइकली बेटर रहेगा वन प्लस 11 आर फोन। दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो वन प्लस 11 आर फोन में थ्री फुल रियर कैमरा दिया गया है। जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ में दिया गया। ये सोनी का सेंसर यूज किया गया, सोनी IMX890 सेंसर दिया गया, साथ में OIS मिल जाता है। और जो सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया गया और जो टार्ट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। सेल्फी कैमरा का बात करें तो 16 मेगापिक्सल का 5x सेल्फी कैमरा दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो रेनो 10 प्रो फोन, इसमें काफी बढ़िया कैमरा मिल जाता है। बैक साइड में त्रिपुल ईयर कैमरा दिया गया। जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ में दिया गया, ये भी सोनी का वही सेम सेंसर यूज किया गया है, सोनी IMX890 सेंसर दिया गया। और जो सेकेंडरी कैमरा है एट मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया गया और जो टार्ट कैमरा है 32 मेगा पिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। तो इसमें आपको टेलीफोटो लेंस एक एक्स्ट्रा मिल जाता है, काफी अच्छा बढ़िया सेंसर भी दिया गया, ये भी सोनी का सेंसर यूज किया गया है। इसमें भी OIS मिल जाता है, दोनों फोन में OIS दिया गया। सेल्फी कैमरा का बात करें तो ये फोन में 32 मेगापिक्सल का 5x सेल्फी कैमरा दिया गया, तो कैमरा ये पे थोड़ा सा लाइटली बेटर रहेगा रेनो 10 प्रो फोन का। ये दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो वन प्लस 11 आर फोन में क्वालकॉम का फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 अक्टूबर प्रोसेसर दिया गया है। इसका क्लॉक स्पीड है 3.2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो एड्रेनो 730 जीपीयू मिल जाता है। ये फ्लैगशिप प्रोसेसर, ये फोन नर्मोडर का प्रोसेसर है, फोन नर्मोडर पर आधारित है। यहाँ पे बात करें तो रेनो 10 प्रो फोन, इसमें भी क्वालकॉम का प्रोसेसर दिया गया, लेकिन ये मिड रेंज प्रोसेसर है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया। इसका क्लॉक स्पीड है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो एड्रेनो 642L जीपीयू मिल जाता है। ये प्रोसेसर 6 नंबर का प्रोसेसर है, 6 नंबर पर आधारित है, ये थोड़ा पुराना प्रोसेसर है। तो परफॉर्मेंस पर यह पे क्लियर विनर बन जाता है वन प्लस 11 आर फोन। इसमें फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया गया है और रेनो 10 फोन में मिड रेंज प्रोसेसर दिया गया है। दोनों फोन का OS यूजर इंटरफेस का बात करें तो वन प्लस 11 आर फोन में एंड्रॉइड 13 मिल जाता है, साथ में ऑक्सीजन OS 13 दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो रेनो 8 फोन, इसमें भी एंड्रॉइड 13 मिल जाता है, साथ में यहाँ पे जो कलर OS 13 है 13.1 दिया गया है। दोनों फोन का वारंट का बात करें तो वन प्लस 11 आर फोन दो वारंट पर लॉन्च किया गया। जो बेस्ट वारंट है 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो हायर वारंट है
16 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। यहाँ पे बात करें तो रेनो 10 प्रो फोन, ये फोन एक ही वर्ण को लॉन्च किया गया है 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दोनों फोन में मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते। दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो OnePlus 11R फोन में 5000 mAh का बैटरी दिया गया। फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 100 W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो Reno 10 Pro फोन, इसमें 4600 mAh का बैटरी दिया गया। फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 80 W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। तो फास्ट चार्जिंग और बैटरी पर यहाँ पे क्लियर विनर बन जाता है OnePlus 11R फोन। USB कनेक्टर का बात करें तो दोनों फोन में USB टाइप सी दिया गया, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिल जाता है। दोनों फोन में 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है। दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी डिजाइन का बात करें तो काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन दिया गया। ग्लास बैक मिल जाता है दोनों फोन में और दोनों फोन का बैक साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। अलग अलग कलर पर दिया गया, काफी अच्छा बढ़िया प्रीमियम डिजाइन मिल जाता है दोनों फोन में। दोनों फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो दोनों फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया और फेस अनलॉक मिल जाता है। दोनों फोन का कनेक्टिविटी का बात करें तो दोनों फोन में सभी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाता है। NFC भी साथ में दिया गया है। सिम सपोर्ट का बात करें तो डुअल 5G सिम सपोर्ट मिल जाता है दोनों फोन में। दो 5G सिम एक ही साथ में यूज कर सकते हैं। तगड़ा स्पेसिफिकेशन के साथ दोनों फोन लॉन्च किया गया है। अब बात कर लेते हैं प्राइस का। OnePlus 11R फोन का जो बेस्ट वारंटी है 8 GB रैम 120 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। ये फोन का प्राइस है 39,999 rupees पर आता है। 40,000 rupees पर बेस्ट वारंट मिल जाता है और जो हायर वारंट है 16 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। ये फोन का प्राइस है 44,999 rupees पर आता है। 45,000 rupees पर हायर वारंट मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें तो Oppo Reno 10 Pro 5G फोन, ये फोन एक ही वर्ण पर लॉन्च किया गया है 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। ये फोन का प्राइस है 39,999 rupees पर आता है। 40,000 rupees पर ये फोन आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये दोनों फोन का कन्फ्यूज का, इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर विनर बन जाता है OnePlus 11R फोन। इसमें आपको काफी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें डिस्प्ले भी काफी अच्छा बढ़िया तगड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इसमें जो परफॉर्मेंस है आपको फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। ये फ्लैगशिप लेवल फोन है और जो ओप्पो का फोन है ये मिड रेंज फोन है। मिड रेंज प्रोसेसर इसमें दिया गया है। यहाँ पे अगर आपको परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, डिस्प्ले बढ़िया चाहिए, फास्ट चार्जर चाहिए, बैटरी बढ़िया चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं OnePlus 11R फोन के तरफ। अगर आपको कैमरा थोड़ा बेटर चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं जो Oppo का फोन है Oppo Reno 10 Pro फोन के तरफ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर विनर बन जाता है OnePlus 11R फोन। मेरे ख्याल से यहाँ पर आग बन करके आप परचेस कर सकते हैं OnePlus 11R फोन। ये Oppo Reno 10 Pro फोन से काफी गुना बेटर फोन मिल जाते हैं OnePlus 11R फोन। आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर लगा, कौन सा फोन आप परचेस करना चाहोगे आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए सो भी अगले वीडियो में मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।